ब्रजभूषण और पहलवानों के बीच की लड़ाई की असली कहानी। क्या ये लड़ाई उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा हो गई है? कौन है जो पर्दे के पीछे से खेल रहा है? आज करेंगे खुलासा। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर इस्तीफे की तलवार लटक रही है, लेकिन ब्रजभूषण सिंह मुकाबला करने को तैयार हैं। कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर कई महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण का आरोप लगाया तो ब्रजभूषण सिंह के पास अपने जवाब है। ब्रजभूषण सिंह पर अपने हिसाब से नियम कानून बदलने और तानाशाही के आरोप है, और आरोपों की फहरिस्त के बीच एक आवाज ये भी उठी कि हरियाणा लॉबी और उत्तर प्रदेश लॉबी के बीच कुश्ती संघ पर कब्जे की जंग है, क्योंकि विरोध करने वाले पहलवान हरियाणा के ही हैं। ब्रजभूषण सिंह को लगता है इसमें साजिश है। साजिश कांग्रेस की तरफ से रची गई। कुश्ती संघ को करीब से जानने वालों को पता है कि एक जमाने में हरियाणा का संघ पर वर्चस्व रहा है। ब्रजभूषण सिंह ने जब सबसे पहली बार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का चुनाव जीता था तो उन्होंने कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शिकस्त दी थी। दीपेंद्र हुड्डा यानी हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पुत्र और राज्यसभा सांसद। अब तर्क देने वाले तर्क दे रहे हैं। कांग्रेस एक तीर से दो राज्यों को अपने निशाने पर लेकर बीजेपी के लिए नई मुसीबत लेकर आई है। उस तर्क में पहला निशाना यूपी में बीजेपी कैसे कमजोर हो, इसकी साजिश पहले भी कांग्रेस ने की है और आज भी चल रही है। तर्क का दूसरा निशाना हरियाणा में अपने लिए अनुकूल स्थिति बनाना है। यूपी में इसकी शुरुआत हो चुकी है। कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह के पक्ष में आवाज उठने लगी है। चलिए बताते हैं क्यों ब्रजभूषण सिंह समेत कईयों को लगता है ये तो कांग्रेस की साजिश है। पहला तर्क, धरने पर सिर्फ हरियाणा के चंद पहलवान ही बैठे हैं, क्योंकि ये पहलवान एक ही घराने और अखाड़े के हैं, जिनका संबंध कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा से है, और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे हैं, जो ब्रजभूषण से कुश्ती संघ का चुनाव हार गए थे। दूसरा तर्क, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और मार्च में कुश्ती संघ का चुनाव होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी को घेरने और दुष्प्रचार करने के लिए सांसद को निशाना बनाया है और अपने मंसूबे को सफल बनाने के लिए हरियाणा के कुछ पहलवानों को मोहरा बनाया, जो लगातार झूठ पर झूठ बोलकर देश की मीडिया और जनता को कांग्रेस के इशारे पर गुमराह कर रहे हैं। तीसरा तर्क, पहलवानों का कोई शोषण नहीं हुआ, ये शोषण नहीं साजिश है और इस साजिश के पीछे कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस के नेता खड़े हैं। ये मुद्दा कुश्ती और महिला पहलवानों की गरिमा को गिराने के लिए चंद कठपुतलियों के माध्यम से कांग्रेस ने उछाला है, इसलिए ये लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी की है। चौथा तर्क, दीपेंद्र हुड्डा की बयानबाजी और प्रियंका गांधी का ट्वीट इस बात का प्रमाण है। ये लड़ाई कांग्रेस राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाना चाहती है और कांग्रेस इस मुद्दे के दम पर हरियाणा में अपना खोया जनाधार तलाश कर रही है। पांचवा तर्क, ये मामला गरीब बनाम पूंजीपतियों का है, जिसमें कुश्ती संघ के अध्यक्ष ग्रामीण परिवेश में रहने वाले खिलाड़ियों के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए 12 साल से प्रयास कर रहे हैं, वहीं कुछ पूंजीपति और राजनेता चंद लोगों को चढ़ाकर कुश्ती संघ को एक परिवार की कठपुतली बनाने पर आमादा हैं। छठा तर्क, जिस महिला पहलवान का यौन शोषण हुआ उसका नाम क्या है, किस व्यक्ति ने शोषण किया, घटना कब की है, स्थान कौन सा था, क्या उस महिला पहलवान ने शोषण की शिकायत किसी फोरम पर धरने के पहले की, अगर नहीं तो इतने दिन तक मुंह बंद रखने की वजह क्या थी। कुश्ती संघ में प्रतिद्वंद्विता और पॉलिटिक्स पर आगे बढ़े उससे पहले बात दीपेंद्र हुड्डा के बयान की। ब्रजभूषण सिंह पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए हुड्डा ने कहा, ये कोई साधारण घटना नहीं है, खेल जगत के लिए ये एक भयंकर दुर्घटना है। इस प्रकार के कांड के बाद भी सरकार अगर नहीं जागी तो कौन माता पिता अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करेगा। वो आज अपने मान सम्मान के साथ ही करियर को दांव पर लगाकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब बात दीपेंद्र हुड्डा और ब्रजभूषण सिंह की अदावत की। 2011 में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव था, आमने सामने थे दीपेंद्र हुड्डा और ब्रजभूषण सिंह। इस चुनाव में ब्रजभूषण सिंह ने जीत हासिल की। इसके बाद अगले साल चुनाव 2015 और 2019 में भी कैसरगंज सांसद ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का इलेक्शन जीता। ब्रजभूषण सिंह यूपी की कैसरगंज सीट से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि इस विवाद में बाबा रामदेव का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि रामदेव भी हरियाणा के रहने वाले हैं, क्योंकि रामदेव का भी ब्रजभूषण सिंह से 36 का आंकड़ा है, इसलिए उनका भी इन खिलाड़ियों पर हाथ हो सकता है।
कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं ये सब विनेश फोगाट के पिता महावीर फोगाट को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाने के लिए हो रहा है, क्योंकि विरोध करने वाले 90% खिलाड़ी हरियाणा के ही हैं। इससे आगे बात यह है जो कहने वाले कह रहे हैं, कांग्रेस इस मुद्दे की आग में घी डालकर बीजेपी को धर्म संकट में डाल रही है। इस लड़ाई को हरियाणा बनाम यूपी बना रही है। हरियाणा के ज्यादातर पहलवान और यूपी के ब्रजभूषण सिंह जिसके भी पक्ष में खेल मंत्रालय फैसला लेगा, नुकसान तो बीजेपी को ही होगा।